करने जा रहे हैं जो कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहते हैं 2012 का एजेंडा क्या है और क्या करवाना चाहते हैं कर्मचारियों के लिए 2012 में सरकार से। बाबूलाल जैन, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील। 2012 के अंदर हमारा प्रमुख रूप से जो है एजेंडा रहेगा, राजस्थान की सरकार ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारी से वायदा किया था यदि हम सत्ता में आए तो केंद्र सरकार के समान हो गो केंद्रीय कर्मियों के समान 1/1/2006 से वेतन मान जो हम कर दिए जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया जी गांधी ने राजस्थान में आकर जो है इस संकल्प को दोहराया था। आज 3.5 वर्ष पूर्ण हो गए लेकिन इस दिशा के अंदर कोई कारगर कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की जा रही है ऐसा लगता नहीं। दूसरा, भारतीय संसद के अंदर पेंशन नियामक विधेयक बिल जो है विचारण स्वीकार किया गया भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के ऊपर यात्राएं करते हैं, दौरे करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है विश्व में उगलते हैं, लेकिन कर्मचारियों के मामले में कर्मचारियों का अस्तित्व समाप्त करने का जो पेंशन नियामक विधेयक बिल है उस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर कर्मचारियों को अस्तित्व को नष्ट करने पर उतारू है और हमारे बुढ़ापे की जो सारा हमारा पेंशन है जो लाठी है हमारी उसको जो है नष्ट करने पर उतारू कर होकर पेंशन का बाजारीकरण करना चाहते हैं। पेंशन के लिए पेंशन कोष इकट्ठा करके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो मंदी आ रही है उसको मंदी से उबारने के लिए पैसा उनको देना चाहते हैं, वो पैसा विदेशी पूंजीपतियों के हाथों खेला जाएगा और इस बात की हिंदुस्तान की सरकार कोई गारंटी भी नहीं देना चाहती कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यदि कर्मचारियों को पैसा जो निवेश किया गया डूब गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात की गारंटी भी न तो संसद लेना चाहती न हिंदुस्तान की सरकार लेना चाहती। तो हिंदुस्तान भर का कर्मचारी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कि पेंशन नियामक बिल जो है वापस लिया जाए संघर्षरत है और हमारा इस 2012 के अंदर जो है प्रमुख संघर्ष रहेगा कि जो है हिंदुस्तान की संसद से इस भारतीय पेंशन नियामक बिल को जो है वापस लिया जाए और इसी को लेकर 28 फरवरी को पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे जिसमें हिंदुस्तान के निजी सेक्टर के, बैंकिंग सेक्टर के, संचार सेक्टर के और एम्प्लॉय सेक्टर के और मजदूर सेक्टर के सारे ही कर्मचारी जो है मिलकर हड़ताल करके सरकार के विरुद्ध जो है अपने आक्रोश का प्रदर्शन जो करेंगे। राजस्थान की सरकार ने यद्यपि कर्मचारियों के हितार्थ छोटे मोटे तो बहुत काम किए लेकिन जो हमारी मूलभूत जो समस्या है उन मूलभूत समस्या की ओर अभी तक भी जो है ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान की सरकार के अंदर अफसरशाही आ गई है, 90% कर्मचारियों की समस्या जो है विभागीय स्तर की है लेकिन वो अफसरशाही और लाल फीताशाही कारण मार्गदर्शन दर मार्गदर्शन और पहले ऊपर की ओर भेजी जाती है और अब तक भी जो है उलझी हुई है। विधवा और परित्यक्ता शिक्षिकाओं के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति हो, उनके मानदेय बढ़ाने की स्वीकृति हो, विद्यार्थी मित्रों के मानदेय को न्यूनतम मजदूरी के बढ़ाने की स्वीकृति हो, वंचित पैरा टीचर्स और प्रबोधक जिनको जो है न्यूनतम जो है वेतनमान देने की स्थिति हो, शिक्षकों के जो है 27 वर्षीय थर्ड ACP के देने के मामले की जो स्थिति हो, इन सब मामले जो है विभागीय स्तर के हैं और विभागीय स्तर के ऊपर जो है हमारा कोई वकालत करने वाला नहीं। और ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 50% पद शिक्षा अधिकारियों की खाली है, एक अधिकारी के पास जो है 4-4 पदों का अतिरिक्त दायित्व है, वो हमारी विभागीय समस्याओं को निराकरण नहीं कर पा रहा है। अकेले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर के ऊपर जहाँ तक मेरी जानकारी लगभग 2,500 विभागीय जांच के प्रकरण पेंडिंग विगत 5 वर्ष से जिनकी पर्सनल हियरिंग भी नहीं हो पा रही है और वो छोटे मोटे आरोपों से संबंधित है, उनकी वजह से लगभग जो है 3,000 कर्मचारी पदोन्नति से वंचित है, सिलेक्शन ग्रेड से वंचित है। ये सारी समस्याएं विभाग स्तर की है, यदि विभाग में अधिकारियों को पदों की पूर्ति भी कर दी जाती है तो 90% जो है शिक्षकों की समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। धन्यवाद।